ने Q4 के नतीजे जारी कर दिए हैं। सालाना आधार पर कंपनी के मुनाफे में 118% की ग्रोथ है और कामकाजी मुनाफे की बात करें तो वहां पर भी 25% की बढ़त है। वाटर और रोड सेगमेंट के सपोर्ट से आय में भी 78% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। नतीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कंपनी के MD संदीप गर्ग। संदीप जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है टीनो स्वदेश पर। सर संदीप जी, शुरुआत आपसे, पहले नतीजों आपसे थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। पहले तो बहुत बधाई इतने सॉलिड नंबर्स के लिए। आप ये बताइए कि नतीजों को सपोर्ट कहाँ से मिला और आगे आप किस तरह का भविष्य देख रहे हैं? धन्यवाद अपने शो पर लेने के लिए। हाँ, ये क्वार्टर और ये पिछला साल हमारे लिए बहुत अच्छा रहा। अगर हम पूरे साल के संदर्भ में देखें तो हमारा रेवेन्यू ऑलमोस्ट 200% ग्रो किया और हमारा प्रॉफिट भी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी वैसा ही रहा। स्टैंड अलोन बेसिस पे हमने करीब 2700 करोड़ रुपए का रेवेन्यू किया और करीब 750 करोड़ रुपए का PBT। सो ओवरऑल हमारा ये पिछला साल बहुत अच्छा गया। Q4 भी अच्छा गया, हमारा रेवेन्यू रन रेट भी अच्छा रहा। तो अगर आप देखें, हम इस पिछले साल में हमने एक एक्टिस्क से डील करी जिससे हमने अपने जो एसेट्स हैं उनको बेचा और अपने को वंस अगेन हाईली लिक्विड किया। तो ये एक हमारा तरीका है टू स्टे एसेट लाइट, जो हम कहते रहते हैं एसेट लाइट, कि हम बहुत ज्यादा लंबे समय तक एसेट में नहीं रहेंगे, हम उसको डेवलप करेंगे और उसको बेच देंगे। तो ये हमारा एक बिजनेस मॉडल है। अगर हम देखें तो हम जब ये बेचते हैं तो प्रैक्टिकली हम ऑन एन IRR बेसिस हम करीब 19% का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में इक्विटी IRR बनाते हैं। तो ये हमारा एक बिजनेस मॉडल रहा है। अब विद देयर लिक्विडिटी के साथ हम समझते हैं, हमने करीब 65,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई किए इस साल के लिए, जो आगे इस साल में आने वाले हैं पानी और वाटर में मिलके। तो हम समझते हैं कि हमारा करीब 10-13% तक का इसमें विन रेशियो रहेगा, तो हमारा ऑर्डर बुक आगे के लिए भी अच्छा दिखाई देता है। रही बात हमारे अगले साल के रेवेन्यू की, तो हम ये समझते हैं कि भाई आज करीब एक्सपेक्ट करते हैं कि करीब 300 से अपवर्ड पर मंथ का एनालाइज हमारा रेवेन्यू रेट रहना चाहिए। तो 3600 से प्लस का हमारा रेवेन्यू हम टारगेट करेंगे इस आगे वाले साल में। और रही बात हमारे प्रॉफिट की, तो हम समझते हैं कि हमारा प्रॉफिट, जैसे हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा तो और प्रॉफिट में इंक्रीज होना चाहिए। हमारा एनुअलाइज्ड एबिटा करीब 11-12% रहता है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगले साल में ये उससे बेहतर रहेगा। ठीक है, तो मार्जिन के नंबर्स जो 11% मेंटेन रहे हैं, वो आने वाले समय में और भी सुधार देखने को मिल सकता है। सर, आपके ऑर्डर बुक के बारे में भी थोड़ा समझना चाहेंगे, उसके बारे में डिटेल दीजिए। करंट ऑर्डर बुक कितनी है, टोटल ऑर्डर बैकलॉग अभी फिलहाल कितना है, और इसका सेगमेंट वाइज भी हमें थोड़ा ब्रेकअप बताइए, और आगे भी कहाँ पर फोकस करेंगे आप? तो हमारा ऑर्डर बुक करीब 10,000 करोड़ प्लस है। इसमें 60% काम पानी के में है और करीब 40% रोड में है। So, ये दोनों हमारे बिजनेसेस जो है अब स्टेबल हैं। तो ये हम स्टेबल बिजनेसेस में अब हम समझते हैं कि जो 65,000 करोड़ प्लस की मैंने आपसे बात करी कि हमने ऑर्डर्स आइडेंटिफाई किए हैं, तो वो इन्हीं दोनों सेक्टर्स में है। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि इस साल में रोड का हमारे रेवेन्यू में थोड़ा ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा। अगले साल से वो वाटर और रोड दोनों बैलेंस हो जाने चाहिए। तो ये ओवरऑल हमारा अनुमान है। जैसे कि मैंने कहा कि 65,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर हम बिड्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 10-13% का हमारा विन रेशियो रहना चाहिए, सब्जेक्ट टू कि कंपेटिटिव इंटेंसिटी कैसी है। तो मेरे को ओवरऑल आगे का साल बहुत ही अच्छा दिखाई देता है, ऑर्डर बुकिंग के हिसाब से भी, अपनी बैलेंस शीट के हिसाब से भी, और अपने रेवेन्यू और प्रॉफिट के हिसाब से भी। सो मेरे ख्याल में ओवरऑल हमारा अगला साल अपने पिछले साल से बहुत अच्छा रहेगा। हमारा पिछला साल बहुत अच्छा रहा, बट हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम इसको और अच्छा कर पाएंगे अगले साल में। आखिरी सवाल सर, आपने पहले भी बायबैक किया था 250 करोड़ रुपए के आसपास का, लेकिन अभी भी देख रहे हैं कि आपकी जो बुक्स हैं उसमें करीब 1500 करोड़ रुपए के आसपास का कैश है। आप सर ये बताइए कि इसको लेकर आपकी क्या प्लानिंग है, इसको किस तरह से आप यूटिलाइज करने जा रहे हैं? तो आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा मुझसे कि हमने बायबैक किया था। हम बायबैक, हमारा एक
सोचने का तरीका है कि हम इन्वेस्टर्स को पैसे रिटर्न करें जब भी अच्छे समय में कंपनी हो। तो अगर आप देखें पिछले 5-7 साल में हमने बायबैक या अपना डिविडेंड के रूट से पर शेयर करीब 50 रुपया रिटर्न किया है। तो हम ये सोच है बोर्ड की, एक सोच है कंपनी की कि हम अपने इन्वेस्टर्स को जब हमारे बिजनेस अच्छा चल रहा है तो उसको रिटर्न दें। रही बात कि हम इस कैश का क्या करेंगे, तो करीब हमारे पास करीब 1850 करोड़ रुपया मार्च में था, जिसमें से करीब 290 करोड़ रुपया हमने बायबैक में लगा दिया है। करीब 290 करोड़ रुपए का जो डेट था वो हम उसको रिपे कर देंगे इस मंथ एंड तक, तो डेट फ्री सिचुएशन पे हम आ जाएंगे। हम समझते हैं कि हमारे एग्जिस्टिंग बिजनेस में करीब 375 करोड़ रुपया लग सकता है, जिसका हम उसको ईएमआर करेंगे। सो प्रैक्टिकली 900 करोड़ रुपया हमारी फ्यूचर ग्रोथ के लिए है। तो अगर हम अपने इस बिजनेस को और ग्रो करेंगे जो डेवलपमेंट का है और कोई एडजेसेंसीज हम कुछ देखेंगे, तो हमारे पास ये 900 करोड़ रुपए का एक वॉर चेस्ट है जिससे हम इस कंपनी को और आगे बुक कर सकते, बढ़ा सकते हैं। राइट, ऑन दैट नोट सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, कंपनी के ग्रोथ योजनाओं पर विस्तार से हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो वेल्समन एंटरप्राइजेस मार्जिन स्ट्रांग है, कंपनी की कर्ज कम करने पर फोकस, और उसके बाद भी कंपनी के कैश बुक आने वाले समय में भी काफी मजबूत नजर आ रही है। स्टॉक इस वक्त 2.5% ऊपर कारोबार कर रहा है। आगे हम और फंडामेंटल राय लेने की कोशिश करेंगे इस